छह लड़के रात गए मेरे घर में आते हैं, दरवाजा नॉकिंग करते हैं, मुझे हरेस करते हैं, डराते हैं। जब उससे शादी की बात करती थी कि शादी कब करनी है, तो ये मुझे मारना शुरू कर देता था। ये लड़कियों से फोन पे बात करता था, तब मैं वो पूछती थी, तो ये सब मुझे मारना शुरू कर देता था। मुझे ओपन थ्रेट दी गई है थाने के सामने के, तेरे पे एसिड फेंक देंगे, जान से मार देंगे। पता चलता है कि मैं छठी लड़की थी, मुझसे पहले भी इसकी जिंदगी में लड़कियां रह चुकी जिनमें एक डॉक्टर थी, वो मर गई, उन्होंने खुदकुशी कर ली, इसने उनके साथ भी शादी के दावे किए हुए। जितना कि मैं अब उसकी फैमिली को समझी हूँ ना, मुझे लगता है ये पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। अब एक वालिद जो मुझे नहीं जानता, वो मुझे DIG की धमकी कैसे लगा सकता है? ये लड़कियों को पहले खुद अपने साथ रखता है, फिर ये आगे अपने दोस्तों को नंबर दे देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक TV। इस वक्त मेरे साथ एक बहन मौजूद हैं, इनकी शराख्त हम इनकी सिक्योरिटी के पेश नज़र आप सबके सामने नहीं रख रहे। इनकी स्टोरी कुछ यूँ है कि इनके साथ एक शख्स रबते में आता है, उस शख्स के साथ इनकी मंगनी हो जाती है, मामला जो हैं वो इनकी फैमिली को भी पता लग जाते हैं, और जिस वक्त मामला तकरीबन मंगनी को 2 साल गुजर जाते हैं और मामला शादी की नहज तक पहुँच जाता है, उस वक्त इनके और वो शख्स जिनके साथ इनका निकाह होने वाला था, इनकी शादी होने वाली थी, इनके दरमियान कुछ ऐसी चपकली शादी है, या इनको उस शख्स के कुछ ऐसे राज पता लग जाते हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये खातून, ये बहन उस शख्स को छोड़ने का फ़ैसला करती हैं। ना सिर्फ उस शख्स को छोड़ने का फ़ैसला करती हैं बल्कि उस शख्स के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती हैं, उस शख्स के ख़िलाफ़ खड़े होकर उस शख्स के साथ लड़ने का फ़ैसला कर लेती हैं। वो ऐसे कौन से राज थे कि जिसकी बुनियाद पर इस खातून ने, इस बहन ने ये फ़ैसला किया कि मैं तो इस शख्स को छोड़ूं ही छोड़ूं, लेकिन इसके अलावा इसके ख़िलाफ़ कुछ ऐसी कार्रवाइयां कर दूं या इसको कानून के कटहरे में ऐसा मुजरिम बनाकर खड़ा कर दूँ कि ताकि कुछ और बच्चियों की ज़िंदगी भी बर्बाद ना हो। क्या ये पहली खातून थी जो उस शख्स के साथ रबते में आई, या इससे पहले भी कुछ ऐसी ख़वातीन थी जिनकी ज़िंदगी वो शख्स बर्बाद कर चुका था? बहन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या दास्तान है, क्या कहा है? दास्तान ऐसे है कि इंसान 2020 अगस्त में समनाबाद के कंपाउंड में आता है, वो बेगमपुरा का रिहायशी है बेसिकली, लेकिन वो आता समनाबाद है, और आकर फिर वो जो है वो एक रिश्ता करता है, मंगनी करता है और शादी का वो वादा करता है जो 1 साल तक कर लूँगा, जो वो नहीं करता और वो आगे डिले कर ही जाता है। ठीक है, तो यानी मंगनी और शादी जब होनी थी प्रॉपर, तो उस वक्त तक कितना टाइम हो चुका है? इसको 3 साल, मतलब आप कह रहे हैं 3 साल। जी, 3 साल मंगनी रही है आपके उस शख्स के साथ। तो इन 3 सालों में आपका उस शख्स के साथ कैसा ताल्लुक था, क्या सिलसिला? 1 साल तो जो 1.5 साल जो था पहला 1-1.5 साल, वो इंतहाई अच्छा खुशगवार था, लाइक बड़ा शरीफ लड़का और बड़ा केयर करने वाला, बड़ा प्यार करने वाला। लेकिन 2022 से उसकी असलियत मेरे सामने आना शुरू हो गई थी। उसमें आहिस्ता आहिस्ता इसने मार्केट, जी अच्छा। उसके बाद इसने ये है कि फिर मुझे जो है वो 2022 में इसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। और अभी तक आपका उसका निकाह नहीं हुआ, मंगनी है, उसने आपको मारना शुरू कर दिया। अच्छा। और मारना किस बात पे कि जब उससे शादी की बात करती थी कि शादी कब करनी है, तो ये मुझे मारना शुरू कर देता था। ये लड़कियों से फ़ोन पे बात करता था, तब मैं वो पूछती थी, तो ये तब मुझे मारना शुरू कर देता था। लेकिन ये है कि फिर भी थोड़ा बहुत मैं इस पर यकीन करती होती थी। पैरों के नीचे से ज़मीन मेरे जब निकली, जब मुझे ये पता चला कि जो मेरे अकाउंट हैक हुए हैं और जो मेरा डाटा जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, मेरी पिक्चर्स वगैरह, मेरी कॉल रिकॉर्डिंग, सब कुछ वो ये बंदा कर रहा था। वो ये बंदा, कैसे पता लगा? ये वो जब मैंने इसके जो है मोबाइल में मेरा नंबर, इसके जीमेल में मेरा नंबर था, और मेरे मोबाइल में ये जीमेल का एडमिन है, मेरे जीमेल इसके जीमेल के साथ सिंक्रोनाइज हैं, जिससे मेरा डाटा सारा इसके पास जाता है। मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ बैठी हूँ, वो चीज़ें सब इसे पता होती हैं। फिर इसके बाद जब मैं इसके और इसके ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करती हूँ और चीज़ें देखती हूँ, तब पता चलता है कि मैं छठी लड़की थी, मुझसे पहले भी इसकी ज़िंदगी में लड़कियां रह चुकी जिनमें एक डॉक्टर थी, वो मर गईं, उन्होंने खुदकुशी कर ली, इसने उनके साथ भी शादी के दावे किए हुए। इसकी एक स्पेशल वॉइस है जो ये हर लड़की को भेजता है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें ये लड़कियों को यकीन दिलाता है मोहब्बत का, शादी करके छोड़ा नहीं जाता। फिर एक शादीशुदा खातून थी जो ये समनाबाद आने से पहले सफ़ा वाला चौक में इसकी फैक्ट्री थी, वहाँ वो एक औरत थी, उसका एक बेटा था, एक बच्चे की माँ थी, इसने उसके साथ भी रिलेशन बनाया और देन छोड़ के भाग गया।
फिर इसके बाद दो लड़कियां थीं वो इसने अपने आगे फ्रेंड्स को दे दी, उनकी गर्लफ्रेंड बना दिया, जिनमें से एक मॉडल भी है जो इसकी फैक्ट्री में आती होती थी। ठीक है, ये बताइएगा कि आपका और इसका रابطہ कहाँ हुआ वेरी फर्स्ट टाइम, और फिर उसके बाद इसने आपकी फैमिली को किस तरह से अप्रोच किया, मंगनी किन हालात में हुई, आपकी फैमिली अग्री थी इन तमाम मंगनी इस तरह से हुई, ये पहले आया समनाबाद, हम भी समनाबाद में रहती थी, वहाँ आया, वहाँ आके इसने जिस तरह से लड़के एक प्रपोज करते हैं यकीन दिलाते हैं, इसी तरह से इसने भी मुझे यकीन दिलाया, मैं मंगनी हो गई। मेरी फैमिली में ये बात जो है पता थी कि के साथ ये सब मामलात हैं, मंगनी हैं, लेकिन इसकी फैमिली को भी नहीं पता था, इसने अपनी फैमिली को नहीं बताया था, इसकी फैमिली मुझे नहीं जानती थी। जितना कि मैं अब उसकी फैमिली को समझी हूँ ना, मुझे लगता है ये पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। अच्छा। सबको पता सब कुछ होता है लेकिन अनजान बन जाते हैं। अब एक वालिद जो मुझे नहीं जानता वो मुझे DIG की धमकी कैसे लगा सकता है, वो तो मसले को सॉर्ट आउट करेगा, हल करेगा, वो मुझे DIG की धमकी लगाते हैं। आपकी मंगनी हो गई और मंगनी को 2.5-3 साल हो गए, आपकी फैमिली ने कभी ये जुस्तजू नहीं की कि हम दूसरी फैमिली है जो उससे मुलाकात ही कर लें? ये कहता था मेरे पे भी जिम्मेदारियां हैं, मैंने घर लेना है, मेरा कारोबार है, जैसे स्टैंड होता है मैं कर लूँगा। उसमें आके क्या, जिस तरह के आपके सामने पाकिस्तान में हालात और जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं उसमें माँ वालदैन भी डरते हैं, लड़की भी डर रही होती है कि पता नहीं आगे अगर ये चला गया तो पता नहीं दूसरा कैसा होगा। वो इस चीज़ में हम इसको टाइम दे रहे थे कि अच्छा चलो ठीक है ये कुछ कर ले। 2.5-3 साल की मंगनी का जो ड्यूरेशन था उसमें आप इसके साथ फ्रीली मूव करती थी इधर उधर, मतलब जाना खाना पीना इस तरह का था, मैं जॉब जहाँ करती थी इसने आना मुझे लेके जाना। लेकिन फर्स्ट टाइम इसने आप पर हाथ कब उठाया? फर्स्ट टाइम इसने मेरे पे हाथ 2022 अप्रैल में उठाया। अच्छा जी, मुझे याद है। उसकी वजह ये थी कि इसको मैंने कॉल की, इसके पीछे बैकग्राउंड में किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी मुझे, तो मैं इससे रोई, मैं लड़ी कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मतलब तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे हो? तो तब ये मेरे घर आता है जिससे मैं इससे लड़ती हूँ, तो ये मुझे मारता है और मार के गालियाँ दे के चला जाता है। मेरे पास इसकी गालियों के मैसेज भी हैं, मतलब ऑन वॉइस। ठीक है, ये सवाल इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है। आपका इसका कोई फिजिकल रिलेशन नहीं? इसने मेरे पे अटैम्प्ट करने की कोशिश की है जिस पे मैंने इसकी वीडियो भी बना ली थी। ये मुझे मारता पीटता भी इसी वजह से था, ज़्यादा जुनूनी कैफियत वाला कि किसी तरीके से हो। और जितना मैंने इसकी इन्वायरमेंट चेक किया है ना, ये लड़कियों को पहले खुद अपने साथ रखता है, फिर ये आगे अपने दोस्तों को नंबर दे देता है, और मुझे इसके दोस्त के नंबर से इंतहाई बेहुदा मैसेज आया हुआ है। राइट नाउ आपका ये केस कहाँ स्टैंड करता है? आपकी मंगनी ख़त्म हो चुकी है? बिल्कुल मंगनी ख़त्म हो चुकी है। बीच में अभी जब सारे मामला चले तो मुझे उसने शादी का बोला कि मैं कर लेता हूँ, लेकिन सर मुझे ऐसे बंदे से शादी नहीं करनी। जब आपने FIA में, हाँ जी, जब मैंने, हाँ जी ऐसे ही, तो इसने कहा कि चलो मैं सब कुछ बैक ऑफ करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, ये वो FIR नहीं करो, तो शादी मुझे नहीं करनी ऐसे बंदे से शादी। अब आप शादी नहीं करना चाहते? नहीं। और यानी मंगनी भी ज़ाहिर है ख़त्म हो चुकी है। फिर अब आपने कहाँ कहाँ अप्रोच किया है इदारों के अतबार से? मैं साइबर क्राइम जो है गई हूँ, मैं IG ऑफिस गई हूँ, DIG इन्वेस्टिगेशन गई हूँ, DIG ऑफिस गई हूँ, SSP ऑफिस जो है वहाँ, CCPO वहाँ गई हूँ, फिर उसके बाद SP जो है UBR मार्केट में मुस्लिम टाउन रोड में जो थाना है वहाँ गई हूँ, समनाबाद थाना, नवाकोट थाना, शेराकोट थाना, सांदा थाना, इन सब जगहों पर चक्कर लगाए हैं। एविडेंस हैं, सबूत हैं, पुलिस बदतमीज़ी करती है, गंदे सवालात करती है कि उसने शादी नहीं की, हम रिश्ता करवाने वाले लगते हैं, हमने PCO नहीं खोला हुआ जो हम मुजरिम को फ़ोन करें। अब आप चाह क्या रही हैं सारे केस को? मैं एंड कैसे करना है? एंड ऐसे करना है सर कि एक तो मेरी जान को है ख़तरा, क्योंकि मुझे ओपन थ्रेट दी गई है थाने के सामने, समनाबाद थाना, SHO के सामने, ASI आफ्ताब के सामने, जान से मारने की धमकी दी। फैक्ट्री के वर्कर लेके आया था जो मेरे सामने खड़े होकर मुझे धमकी दे रही है कि तेरे पे एसिड फेंक देंगे, जान से मार देंगे। अच्छा। फिर नामालूम कोई 6 लड़के रात गए मेरे घर में आते हैं, दरवाज़ा नॉकिंग करते हैं, मुझे हरेस करते हैं, डराते हैं और चले जाते हैं। जब मैं कॉल करती हूँ नेबर्स को कि ये देखें बाहर कौन है, तो वो भाग जाते हैं। रात के 12 बजे 12:30 बजे मेरे घर में कोई 6 लड़के आने का तुक ही नहीं बनता। अब मैं बाहर भी निकलती हूँ तो मुझे डर लगता है। अब ये इस तरह की चीज़ें करेंगे, अगर इस तरह से मुजरिम आज़ाद रहेंगे तो हम औरतें कहाँ जाएंगी? मैं जॉब करती हूँ, मेरे लिए फिर आगे मसले मसाइल हैं। तो मेरी आप लोगों के चैनल के तवसुत से आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ काइंडली आप लोग ही मेरी आवाज़ बने और वज़ीर आला पंजाब, पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस तक ये चीज़ एटलीस्ट
मुजरिम को पकड़े तो सही, इसको सजा तो दें। वो जो थाने के बाहर खड़े होकर आप बता रही हैं धमकी दी है जान से मारने की, वो किस नौयत की धमकी थी? वो इस नौयत की धमकी थी कि वो मुझे थाने में खड़े होकर SHO के सामने, ऐसे के सामने मुझे गालियाँ देती है, जान से मारने की धमकी देती है, एसिड फेंकने की धमकी देती है, एसिड अटैक जी जी। और उसकी फैमिली, उसका वर्कर, उसकी फैक्ट्री का वर्कर वो कैबिन के पास, वहाँ पे SHO के कैबिन के पास खड़ा होता है जो नशे में से चला भी नहीं जा रहा होता। फतेह हजरात, इस बहन की तमाम तर गुफ्तगू आपने सुनी है। वो खातून जो कि अपने ऊपर होने वाले मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करती है और खड़ी हो जाती है और तमाम इदारों को अप्रोच करती है, उसी के किरदार पर सवाल उठाना और उसी को मुआशरे में गंदा करके सामने खड़ा कर देना, इस रिवायत को मेरा ख्याल है बदलने की ज़रूरत है। और वो मुलजमान, वो मुजरिमान, खा इस खातून का और उस मुलजिम का जैसा भी माजी का एक ताल्लुक़ हो, जैसा भी एक निभा हो, जैसा भी एक रिलेशन रहा हो, लेकिन बहरहाल कानूनी नज़र में जहाँ पर कोई गलती है उस गलती की निशानदही अगर एक खातून कर रही है तो बजाय इसके कि उससे थाने कचहरी में इस तरह के मनफी सवालात करके उसको थाने कचहरी से और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतनफ़र करने की बजाय उसे कानून की जानब वापस इसका एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। और इस बहन की शनाख्त हमने तमाम तर हर हवाले से पोशीदा रखी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।